आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग फुले अंबेडकर स्मृति पर्व आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस फुले अंबेडकर स्मृति पर्व का मतलब ये हुआ कि क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, इनका स्मृति दिवस यानी कि 28 नवंबर और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, इनका महाप्रयाण दिवस यानी कि 6 दिसंबर, इन दोनों के बीच का ये वक्त जिस वक्त में हम फुले अंबेडकर स्मृति आप तक पहुंचा रहे हैं। ये गुरु और शिष्य की ऐसी जोड़ी जिन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं, मतलब क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने क्रांतिबा ज्योतिबा फुले को देखा तो नहीं, लेकिन उनके काम को जरूर आगे बढ़ाया और उनके काम से प्रेरणा जरूर ली और कहा कि ये मेरे गुरु है। अब देखिएगा कि इन दोनों को जब हम याद कर रहे हैं तो याद करने का हमने पिछली कड़ियों में भी देखा कि उन्होंने जो काम ज्योतिबा फुले करते हैं उस काम को किस तरह से वे आगे लेकर चलते हैं, और उस वक्त की जो प्राप्त परिस्थितियां होती है, मतलब 19वीं सदी में जो सामाजिक परिस्थितियां थी, जो कुरीतियां थी, उनके खिलाफ क्रांतिबा ज्योतिबा फुले खड़े होते हैं, और 20वीं सदी में जब बाबा साहेब अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो वे उस वक्त की जो प्राप्त परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा कि ये दोनों में जो साम्यता भी है कि वे हर क्षेत्र में, फिर वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, महिलाओं के उत्थान का क्षेत्र हो, मजदूरों के सम्मान का क्षेत्र हो, मजदूरों को शोषण से बाहर निकालने का क्षेत्र हो, किसानों की चिंता हो, ये सारी चिंता के साथ साथ वे सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन की, धार्मिक परिवर्तन की, सांस्कृतिक परिवर्तन की, और इन सब में जिन साधनों का वे इस्तेमाल करते हैं उसमें साहित्य ये एक बड़ा साधन दोनों के आंदोलन में बराबर दिखाई देता है। जैसे कि क्रांतिबा ज्योतिबा फुले साहित्य का सृजन करते हैं, नए साहित्य की रचना करते हैं, और वो साहित्य जो उद्देश्यपरक है, वो साहित्य जो समाज को कुछ देता है, और वो साहित्य उस वक्त के उनके सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व भी करता है, उसको मार्गदर्शन भी करता है। तो ज्योतिबा फुले भी साहित्य की रचना करते हैं, उसमें उनके गीत हैं, उनके पवाड़ा है, उनकी कविताएं हैं। बाबा साहेब भी साहित्य बहुत निर्माण करते हैं। बाबा साहेब का एक लेखक के रूप में, एक समीक्षक के रूप में, एक विचारक के रूप में उनका बहुत सारा साहित्य जो अभी तक अप्रकाशित भी है और उसका प्रकाशन बारी बारी से जारी है, उनके वक्त भी उन्होंने, उनका जो अनुभव था, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने साहित्य के द्वारा व्यक्त किए। इस वक्त हम लोग जब फुले अंबेडकर स्मृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस वक्त की परिस्थिति में जो फुले अंबेडकर को अपनी प्रेरणा मानते हैं वे उनके साहित्य से प्रेरणा भी लेते हैं, तो ये वर्तमान साहित्य भी उनसे प्रेरित होकर आता है। आपको क्या बताएं कि फुले अंबेडकर साहित्य सम्मेलन, फुले अंबेडकर साहित्य परिषद ऐसे संगठन भी है जो साहित्य का एक सम्मेलन भी कराते हैं और वहां से साहित्यिक अपनी बात को आगे भी बढ़ाते हैं। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं। ज्योतिबा फुले जब अपने इस साहित्यिक कार्य की शुरुआत करते हैं तो इस साहित्य की रचना में उनका एक पवाड़ा है। पवाड़ा ये महाराष्ट्र की जो लोक कलाएं हैं उन लोक कलाओं में एक बड़ा ही विशिष्ट अंग है और एक खास विधा है। इस पवाड़ा में वो विक्टोरिया रानी के लिए भी पवाड़ा लिखते हैं, उसमें उनका निवेदन है कि इस सामाजिक व्यवस्था को कैसे ठीक कराना है। वे शिवाजी महाराज का पवाड़ा लिखते हैं, उसके साथ साथ वे उस वक्त की सामाजिक परिस्थितियों पर रचनाएं करते हैं कविताओं के जरिए। कुछ पद्य का निर्माण भी करते हैं, कुछ गद्य का निर्माण भी करते हैं। गद्य में उनके बड़े फेमस पुस्तकें हैं क्रांतिबा ज्योतिबा फुले की, और जिसका नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है कि भाई ये पुस्तक है, अगर अंग्रेजी में होती तो ज्योतिबा फुले ये अपने वक्त के सबसे बड़े समाज क्रांतिकारक के रूप में भी लोगों के परिचय में आ जाते। आज वे पूरी दुनिया तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उस वक्त में वे मराठी में लिखते थे तो मराठी में उनका जो ये लेखन है वो उस जगत तक नहीं पहुंचा। शायद यही बात बाबा साहेब ने समझ ली
और उन्होंने उनका सारा साहित्य अधिकतम अंग्रेजी में लिखा और अंग्रेजी जगत तक अपने साहित्य को पहुंचाया और यहाँ की व्यथाएं, वेदनाएं, यहाँ का विद्रोह, ये सब उन्होंने अपने साहित्य में उसे उजागर किया। तो ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरु, ये अपने गुरु से वो ये बात सीखते हैं और बाबा साहेब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त में जो लोग बाबा साहेब की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझना होगा। क्रांतिबा ज्योतिबा फुले, उनका एक कविता संग्रह भी है और वो कविता संग्रह में एक शीर्षक है, मराठी में शीर्षक है वो, ब्राह्मणांचे कसब। हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण की चालाकी, इस तरह से उसका अर्थ जाएगा। तो इन चीज़ों को हम समझें और इसमें वेल उस वक्त जो कुरीतियां हैं, उस वक्त जो कर्मकांड है, यज्ञ याग है और जिसके द्वारा जन सामान्य को लूटा जा रहा है, उस बात को वे ब्राह्मणांच कसब में लिखते हैं। तो ये ज्योतिबा फुले की बात हो गई। बाबा साहेब जब आगे बढ़ते हैं तो वे भी साहित्य की विभिन्न विधाओं को पकड़ते हैं। जैसे ज्योतिबा फुले गद्य में भी लिखते हैं, पद्य में भी लिखते हैं, बाबा साहेब भी साहित्य की उन सारी विधाओं को छूने की कोशिश करते हैं। उनका स्फुट लेखन सभी को पता है, उनके भाषण सभी को पता है, उनके आलेख सभी को पता है जो उन्होंने लिखे हैं और ये साहित्य सबके पास पहुंचा है। उनका एक और है जिसे हम कहें आत्मकथन, वेटिंग फॉर वीज़ा के नाम से आता है और ये वेटिंग फॉर वीज़ा में वे अपना आत्मकथन करते हैं। लेकिन आप उसकी भाषा देखिएगा, उसकी शैली देखिएगा और उसे वो जो सृजन का वो जो तरीका है, उस तरीके को देखिएगा। वे एक एक दृश्य को हम सबके सामने खड़े करते हैं, मतलब एक एक दृश्य को पाठकों के सामने खड़ा कर देना, ये वास्तव में एक आत्मकथन लिखने वाले लेखक का एक क्वालिटी भी होती है। तो बाबा साहेब की अनेकानेक क्वालिटियों में से ये भी एक क्वालिटी है। हमने ऐसे ही एक अध्ययन में एक और चीज भी पाई है, बाबा साहेब ने कविताओं की रचना बहुत कम की है लेकिन बाबा साहेब पर कविताएं बहुत आई है और बाबा साहेब की प्रेरणा से कविताएं तो अनगिनत है और वो आज भी लिखी जा रही है। फुले अंबेडकर दोनों की प्रेरणा से ये कविताएं आगे बढ़ती है। लेकिन बाबा साहेब की एक छोटी सी रचना जो पद्य के रूप में हमें दिखाई दी उनके साहित्य में, बाबा साहेब लिखते हैं मराठी में, देखिएगा कि घड़े सज्जन संगति एक बार, तरी तारील ती मानवास पार, दुर्जनाची संगति सर्व काल, नए कामाती आली सर्व आली असे वेड़। इसका मतलब अगर हम हिंदी में समझना चाहे तो वो ऐसा होगा, थोड़ा सा सारांश के रूप में बता रहे हैं कि मिले सज्जनों का संग एक बार, मिले सज्जनों का संग एक बार, वो ही लगाएगा मानव को पार। मिले सज्जनों का संग एक बार, वो ही लगाएगा मानव को पार, दुर्जनों का संग सर्वकाल, दुर्जनों का संग सर्वकाल, काम नहीं आएगा जब होगा काल। यानी कि जब जरूरत होगी तो दुर्जनों की संगति कभी काम नहीं आएगी। बाबा साहेब की भी ये जो रचनाएं हैं, वैसे बाबा साहेब का ये जो काव्यात्मक पहलू है लेखन का, ये उनके बहिष्कृत भारत में भी दिखाई देता है, ये उनके मूक नायक में भी दिखाई देता है, ये उनके जनता में भी दिखाई देता है जब वे वहाँ का संपादकीय लिखते हैं। वे बड़े आशय की चीज़ों को छोटे छोटे वाक्यों में समेटने की कोशिश करते हैं और वो भी आम आदमी की समझ में आए ऐसे। मराठी में उनका ये जो लेखन है, ये लेखन भी बड़ा ही मूल्यवान है और इस मूल्यवान लेखन को आज की तारीख में जब बाबा साहेब की प्रेरणा के साथ, क्रांतिबा ज्योतिबा फूले की प्रेरणा के साथ जब लोग आगे बढ़ते हैं तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है किसी आंदोलन का। बाबा साहेब एक बात कहते हैं कि किसी भी आंदोलन को यदि आगे बढ़ना है तो उसके आधार में प्रसार माध्यम होना चाहिए। अब वो प्रसार माध्यम पुस्तकों के रूप में भी आएगा, कविताओं के रूप में भी आएगा, नाटक के रूप में भी आएगा, गद्य के रूप में भी आएगा, पद्य के रूप में भी आएगा, कहानियों के रूप में भी आएगा और ये अपने उस वक्त की बात को अपने साहित्य में अभिव्यक्त करेगा।
तो इस तरह का साहित्य सृजन और साहित्य निर्माण ये भी एक माध्यम है। बाबा साहेब ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए इस साहित्य निर्माण के साथ। आप देखिएगा बाबा साहेब के बाद भी जितना साहित्य निर्माण हुआ उस साहित्य के साथ उसके पास पास आंदोलन भी खड़ा होता चला गया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। इस वक्त हम लोग जब क्रांतिबा ज्योतिबा फुले और क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, मतलब 28 नवंबर से 6 दिसंबर का ये जो वक्त है फुले अम्बेडकर स्मृति का, तो हमने इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा साहेब, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार, नारायणा गुरु और इन जैसे तमाम जितने भी समाज क्रांतिकारक है, इन सारे मानवतावादी नेताओं का, राष्ट्र नेताओं का आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए उस वक्त के समझ के साथ, उस वक्त की व्यथाओं के साथ, उस वक्त की वेदनाओं के साथ और उस वक्त की वेदनाओं से बाहर निकलकर होने वाले परिवर्तन के साथ इस साहित्य को अभिव्यक्त होना होगा। और ये साहित्य जितना ज़्यादा अभिव्यक्त होगा ये आंदोलन को भी और आगे 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 बढ़ाएगा। इस वक्त फुले अंबेडकर स्मृति पर्व में इतना ही, आज की बात में यही रुकते हैं।